हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार की बैटरी निकालते कैसे है और उसको वापस लगाते कैसे है। और ये सिचुएशन आप पे तब आ सकती है जब आपकी कार एक लंबे समय तक एक जगह पे खड़ी हो और मे बी उसकी बैटरी ख़राब हो गई हो, या फिर आपको वो बैटरी निकाल के चार्ज करके वापस लगानी है। तो ये दोनों सिचुएशंस में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप बैटरी निकाल रहे हो तो कौन सा टर्मिनल पहले निकालना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसको वापस लगाते वक्त कौन सा पहले लगाना है। तो ये दोनों का ऑर्डर भी मैं इसमें कवर करूँगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएँ। और इस वीडियो के लिए मैंने जो गाड़ी ली है वो है एक टाटा टियागो पेट्रोल कार। ये गाड़ी बहुत दिन से खड़ी थी और इसकी बैटरी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, ऑल्दो ख़राब नहीं हुई है। तो इस केस में मैं इसको निकाल के सेपरेटली चार्ज करके वापस लगा दूंगा। वो चार्जिंग वाला पार्ट तो इसमें नहीं कवर करूँगा, तो इसमें सिर्फ देखेंगे कि बैटरी निकालते कैसे और वापस लगाते कैसे। और प्रोसीजर चालू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले तो आपको नेगेटिव टर्मिनल निकालना है और फिर पॉजिटिव निकालना है। ये होता है जब आप बैटरी निकाल रहे हो, और ये ऑर्डर में करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो चांसेस है कि कुछ कार में इलेक्ट्रिकल्स शॉर्ट हो सकते हैं या फिर आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो ये याद रखिए कि बैटरी निकालते वक्त पहले नेगेटिव टर्मिनल निकालना है, फिर पॉजिटिव निकालना है, और उसके बाद आप नीचे जो लगे बोल्ट्स है वो निकाल सकते हैं और फिर बैटरी बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए तो देखते हैं कैसे करना है। और इसके लिए जो टूल किट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो स्टैनली का ये स्पैनर सॉकेट सेट है। तो इसमें बहुत सारे साइजेस के आपको स्पैनर्स मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके का आपको स्पैनर सॉकेट भी मिलता है जिससे आप जो डिफ़िकल्ट प्लेसेस है वहाँ के स्क्रूज ईजीली निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप एक नॉर्मल स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट नॉर्मल स्पैनर से भी पॉसिबल है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपको नेगेटिव निकालना है फिर पॉजिटिव निकालना है, तो अगर बहुत धूल वगैरह है बैटरी पे तो थोड़ा साफ़ करके देखिए कि कौन सा नेगेटिव पोर्ट है और कौन सा पॉजिटिव पोर्ट है। तो इसमें चलो नेगेटिव वाला पहले निकालते हैं। और ये चीज़ निकालते वक्त आप ध्यान रखिए कि स्क्रू कहीं अंदर ना गिर जाए, नहीं तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। और फिर इसको हटाना सिंपल है, मे बी आपके कार में ये ऐसे वाला नॉब ना हो, कुछ और तरीके का स्क्रू एंड अटैचमेंट है, बट सिर्फ याद रखिए कि नेगेटिव वाला पहले निकालना है। तो ये हमने डिटैच कर दिया है, इसको थोड़ा बाजू में रख देते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल निकालेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल डिटैच करने के लिए यहाँ पे मुझे ये दोनों स्क्रूज निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर टाटा टियागो में ये एक ही स्क्रू निकालेंगे तो ये पूरा अटैचमेंट बाहर आ जाता है। तो ये स्क्रू निकाल दिया है और फिर आप इसको लिफ्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हमने दोनों टर्मिनल्स निकाले हैं और अब बारी आती है ये नीचे के दो स्क्रूज निकालने की। फिर इससे क्या होगा कि ये बैटरी लूज़ हो जाएगी और आप इसको उठा के बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये दो स्क्रूज निकालने के बाद ये जो पट्टी है उसको लेफ़्ट में खिसकाना है और बैटरी को लिफ्ट करना है। तो मे बी आपकी कार में एक एडिशनल स्ट्रैप होगा या फिर अटैचमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, बट मोर और लेस एक जैसा ही प्रोसीजर होता है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये दोनों स्क्रूज मैं अभी निकालूंगा। और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी टाइट स्पॉट है और इसीलिए यहाँ पे ये स्पैनर सॉकेट यूज़ करना ज़रूरी है, नॉर्मल स्पैनर से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें निकालनी थी, नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, और ये दो स्क्रूज़ हमने हटा दिए। अब इस छोटे से प्लांक को ये साइड में मूव कर सकते हैं और बैटरी इजीली उठा के निकाल सकते हैं। तो अब मैं इस बैटरी को अलग से एक दिन के लिए चार्जिंग पे रखूँगा। मे बी उसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं बना दूँगा। बट उसके बाद जो लगाने वाली प्रोसीजर है, उसमें भी कौन सा टर्मिनल पहले लगाना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तो देखते हैं वो कैसे करना है। तो वापस बैटरी कनेक्ट करते वक्त आपको पहले तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है और उसके बाद फिर नेगेटिव वाला लगाना है। इसके बाद इसका फ्लैप लगा देते हैं और अब बारी आती है नेगेटिव टर्मिनल की। उसके बाद ये नीचे वाले दो स्क्रूज लगा देंगे। तो फाइनली दोनों भी टर्मिनल्स हमने लगा दिए हैं। अब इस क्लैंप को अंदर धकेल के इसको लगा देंगे। तो नीचे जो होल्स थे उनके साथ मैच करके यहाँ पे जो स्क्रूज थे वो लगा देंगे हम। तो अब हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स भी लगा दिए हैं और नीचे के जो सपोर्टिंग बोल्ट्स थे वो भी लगा दिए हैं और बैटरी फर्मली अपनी जगह पे बैठ गई है। तो गाड़ी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस प्रोसीजर के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और मैं उसके ऊपर आंसर दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।